नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो 4 मार्च से बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच एक ज़बरदस्त T20 सीरीज़ की शुरुआत होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस T20 सीरीज़ से जुड़ी सभी जानकारी देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस T20 सीरीज़ का क्या शेड्यूल रहेगा, इस T20 सीरीज़ में टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे, मैचों की टाइमिंग क्या होगी, मैचेस कौन से वेन्यूज़ पर खेले जाएंगे। इसके अलावा इस T20 सीरीज़ के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों टीमों का क्या स्क्वाड रहेगा, और आप इस T20 सीरीज़ के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया में कौन कौन से टीवी चैनल्स और मोबाइल ऐप की मदद से देख पाओगे। तो इस एक वीडियो में आपको इस T20 सीरीज़ से जुड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट्स, इसके अलावा सभी मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस समय श्रीलंका की टीम बांग्लादेश के दौरे पर है, और इस दौरे पर बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच सबसे पहले 3 मैचों की एक T20 सीरीज खेली जाएगी, उसके बाद 3 मैचों की एक वनडे सीरीज भी होगी, और इस दौरे के अंत में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की एक टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी। लेकिन इस दौरे की शुरुआत T20 सीरीज के साथ होगी। तो अगर हम T20 सीरीज के शेड्यूल की बात कर लें, तो पहला T20 इंटरनेशनल मैच 4 मार्च को खेला जाएगा सिलहट के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 5:30 बजे से, यानी कि 5:30 PM से। जबकि दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच 6 मार्च को होगा सिलहट के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, इंडियन टाइम के हिसाब से 5:30 बजे से, यानी कि 5:30 PM से। और T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच 9 मार्च को खेला जाएगा सिलहट के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, इंडियन टाइम के हिसाब से 2:30 बजे से, यानी कि 2:30 PM से। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बांग्लादेश के स्क्वाड की बात कर लें, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस T20 सीरीज के लिए 15 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है, जो कि इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के तौर पर आपको नजर आएंगे नजमुल हुसैन शांतो, विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे लितिन दास, एक और विकेटकीपर बल्लेबाज अनामुल हक, मोहम्मद नईम, तौहिद हिदोय, सौम्य सरकार, मेहदी हसन, महमूदुल्ला रियाद, ताइजुल इस्लाम, रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान, शौरिफुल इस्लाम, तंजिम हसन साकिब और जाकिर अली अनिक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश के स्क्वाड में ऑफ स्पिनर अलीस अल इस्लाम को भी शामिल किया गया था, लेकिन अलीस अल इस्लाम फिंगर इंजरी की वजह से इस T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं, और उनकी जगह पर स्क्वाड में एज अ रिप्लेसमेंट विकेटकीपर बल्लेबाज जाकिर अली अनिक को शामिल किया गया है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं श्रीलंका के T20 स्क्वाड के बारे में। तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए 17 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है, जो कि इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के तौर पर आपको नजर आएंगे वानिंदु हसरंगा, वाइस कैप्टन होंगे चरित असलंका, विकेटकीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस, एक और विकेटकीपर बल्लेबाज सदीरा समारा विक्रमा, एंजेलो मैथ्यूज, दसुन शानका, महीश दीक्षाना, धनंजय डिसिल्वा, दिलशान मधुशंका, नुवन तुषारा, मतीशा पथिराना, अकिला धनंजय, बिनुरा फर्नांडो, कामिंदो मेंडिस, अविष्का फर्नांडो, जेफरी वांडरसे और विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवला। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि इस T20 सीरीज के लिए श्रीलंका के स्क्वाड में कुशल परेरा को भी शामिल किया गया था, लेकिन कुशल परेरा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं, और उनकी जगह पर स्क्वाड में एज अ रिप्लेसमेंट विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवला को शामिल किया गया है।
इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस T20 सीरीज की लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट की बात कर लें तो इंडिया में इस T20 सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी भी स्पोर्ट्स चैनल के पास नहीं है। लेकिन अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स की बात कर लें तो इंडिया में आप फैन कोड एप्लीकेशन और फैन कोड की वेबसाइट की मदद से इस T20 सीरीज के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल फोन में एंजॉय कर पाओगे, जहां पर आपको फैन कोड में सबसे पहले इस T20 सीरीज का टूर पास परचेज करना पड़ेगा जो कि 89 रुपीज का होगा। तभी दोस्तों आप इस T20 सीरीज के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल फोन में देख पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये रही बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी टीम ये T20 सीरीज जीतेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।